स्वागत है आपका रेनू फूड जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं सरसों मसाले वाली अचारी अरवी। इसके लिए अरवी को कच्चा ही अच्छे से छील कर धोकर दो टुकड़ों में काट लिया है। और कढ़ाई में अब ले लिया सरसों का तेल और डाल दिया उसमें ये पंचफोरन का तड़का। पंचफोरन होता है मेथी, जीरा, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी, इन पाँच मसालों का मिश्रण। तो वो सारा मिश्रण हमें बस आधा चम्मच ही डालना है और 1 मिनट के लिए उसे पका लेना है। जब पंचफोरन पक जाए तड़का, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे ये कटी हुई अरबी। तो अरबी को हमने कच्चा ही पहले छील लिया, फिर धो लिया और काटने के बाद फिर एक दो बार अच्छे से धो लिया है। तो इस सब्जी में हम कच्ची अरबी से ही बना रहे हैं इसको। अरबी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम 4 से 5 मिनट अरबी को भून लेंगे। भूनते हुए ही अरबी को थोड़ा सा पका लेना है। तो जब तक अरबी भून रही है, हम बनाते हैं एक मसाला। लेंगे 8-10 कली लहसुन और 1 चम्मच पीली वाली सरसों और उसका अच्छा सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो देखते हैं, तब तक अरबी भी हमारी लगभग भून चुकी है। तो अरबी को हमें इतना भून लेना है कि 70 से 80% ये पक जाए। इस तरीके से हमें अरबी को भून लेना है। और जब थोड़ी सी अरबी ये भून जाए, अब डाल देते हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और धनिया मिर्ची का पाउडर। पर ये सूखे मसाले डालने से पहले आप गैस को थोड़ा धीमा कर दें। और सभी सूखे मसाले डालने के बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से एक दो बार मिक्स। सूखे मसालों के साथ भूनना नहीं है, बस मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा सब्जी मसाला भी डाला है मैंने इसमें। और मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से हम बस मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पिसा हुआ सरसों लहसुन का पेस्ट। तो आप पूरी रेसिपी को समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आप रेसिपी को सही से समझ पाएंगे। अब सूखे मसाले जब हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया, उसके बाद डाल दिया है ये पिसा हुआ सरसों लहसुन वाला पेस्ट। और इसको डालने के बाद फिर हम 1-2 मिनट के लिए सब्जी को अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ। तो डाल दिया है इसमें हमने सभी मसाला और इसे थोड़ा सा हम मीडियम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे अब सब्जी को, ताकि मसाला थोड़ा सा अच्छे से भुने। और जब मसाला थोड़ा थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कटा हुआ टमाटर और इसे फिर से सब्जी के साथ भून लेते हैं। आप चाहे तो सूखी सब्जी भी बना सकते हैं इस तरीके से। बस इसी तरीके से हमें ढक ढक करके सब्जी को भूनते हुए पका लेना है, तो बिल्कुल सूखी सब्जी आपकी रेडी होगी। पर हम इसे थोड़ी लटपटी ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। तो जब मसाला अच्छे से ये भून जाए सभी चीज़ें, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो एक बार में ही पूरा पानी नहीं डालना है हमें ग्रेवी के लिए, तो बस पहले थोड़ा सा ही हम इसे पानी डालेंगे। और थोड़ा पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना पानी। तो थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और अब डाल देंगे हम ग्रेवी के लिए पूरा पानी और इसे हम ढक करके फिर से 3-4 मिनट के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो बहुत ही आसान सी ये अरवी की रेसिपी है, पर बहुत ही गजब की टेस्टी बनती है। ज़रूर आप एक बार इस तरीके से बना करके देखिए ये अचारी अरवी मसाला। अभी आगे रेसिपी बाकी है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप रेसिपी को सही से समझेंगे। तो 3-4 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटा कर देखते हैं, तो अरबी हमारी लगभग बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से, जितना हमें अरबी को पकाना है। इससे ज़्यादा गली हुई अरबी भी बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है। तो सही से गल चुकी है अरबी, जितना हमें इस सब्जी के लिए चाहिए पका हुआ। अब लेते हैं आम के अचार का मसाला। ये 2 चम्मच भर करके लिया है मैंने आम के अचार का मसाला। और सब्जी जब लगभग पक जाती है, तब हम उसमें डाल देंगे ये मसाला और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद। ये मसाला डालने के बाद अब हम इसे पकाना नहीं है और ये मसाला हमें पहले भी नहीं डालना है। सब्जी जब पक जाए, गैस जब लगभग बंद करने वाले हों, तब ये मसाला डालना है। और रेडी है बहुत ही गजब की चटपटी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये अचारी अरबी मसाला। तो आप ज़रूर एक बार इस तरीके से देखिए, बहुत ही चटपटी सी ये सब्जी बनती है। सब उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। निकाल लेते हैं इसे एक बोल में और इसे आप सर्व कीजिए रोटी पूरी पराठे या चावल किसी भी चीज़ के साथ। सबके साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब रोज़ नई रेसिपी के लिए।